पर निश्चित रूप से मालिक पर मृत्यु का, लापरवाही का और इसको मारने का जो धारा है उसके तहत उस पर एफआईआर हो और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मिले और उसके जो बच्चे हैं उसके परिवार के सदस्य जो है अगर उसका नाबालिग है तो उसकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करें, ये हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं और फैक्ट्री के माध्यम से भी। तो भर्ती कराने के बाद उनको कैसे चोट लगा, उनको कैसी दवा होना चाहिए, वो समुचित व्यवस्था प्लांट के मालिक ने नहीं कर पाए जिसके कारण आज हमारे बीच वो नहीं रहे, उनका देहांत हो गया और बिना पोस्टमार्टम के इस प्लांट के अंदर उस बहन की बॉडी आई हुई है और पूरे ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो कितना अमाननीय कार्य है। ये बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे और मांझी प्रखंड के पालू निवासी श्रीमती अनीता देवी जी जो इस गैस प्लांट में कार्य कर रही थी और कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की जो व्यवस्था होनी चाहिए इस प्लांट में, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कोई भी मानक इस पे सफल नहीं है, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और कार्य के दौरान अनीता जी इस प्लांट मशीन पे वो मटेरियल को भरने का काम कर रही थी, अचानक ब्लास्ट हुआ, वो अनियंत्रित हुई और गिर पड़ी जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई और स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से उन्हें जल्दी आनन फानन में अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। और जिस प्रकार से जो यहाँ के जो संचालक है उनके लापरवाही के कारण ये बहुत बड़ी घटना हुई है, जिस प्रकार से उनको इलाज होना चाहिए था, जो समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाई और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुखद उनकी मृत्यु हो गई। आज एम्बुलेंस आए हुए है इस प्लांट में और माननीय पूर्व विधायक श्री रामकुमार पाहन जी हमारे सामने उपस्थित है, श्री अमरनाथ चौधरी जी, श्री मानकी राजन सही और बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनके न्याय को लेकर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये हमारी मांग है कि इन्हें मुआवजा राशि दिया जाए और जो सुरक्षा मानक है उसका उपयोग करते हुए इसका संचालन किया जाए। आप देख रहे हैं पीछे कितने सारे जो खदान ऐसे ही खुले हुए हैं, इतना जोखिम जोखिम मटेरियल है, कोई भी बड़ी घटना घट सकती है और उसी के कारण क्या जितनी बड़ी घटना हुई, हम सभी इससे पूरा मरम्मत है और हम चाहते हैं इसके न्याय हो, इसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए। आप कैसे देख रहे हैं सर घटना, इतनी बड़ी घटना हो गई? निश्चित रूप से ये जो गैस प्लांट में जिस तरह से इस फैक्ट्री का संचालित हो रहा है इसमें जो सुरक्षा गार्ड होना चाहिए या तो जो इसका मापदंड होना चाहिए या नहीं रहने के कारण ये कहीं ना कहीं ये घटना हुआ है और ये घटना के पीछे इसका जो भी मालिक है उसका लापरवाही यहाँ दर्शाता है। और एक गरीब परिवार का इस तरह से आकस्मिक मृत्यु होना फैक्ट्री के अंदर में और पूरे परिवार इस तरह से आज दुखित है, एक परिवार का सदस्य हम लोगों के बीच से चला गया, मैं तो संवेदना व्यक्त करता हूँ। अब तो चूंकि वह चला गया है मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी, इस तरह से लापरवाही के रूप में ये फैक्ट्री जो संचालित हो रहा है इस पर निश्चित रूप से मालिक पर मृत्यु का, लापरवाही का और इसको मारने का जो धारा है उसके तहत उस पर एफआईआर हो और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मिले और उसके जो बच्चे हैं उसके परिवार के सदस्य जो है अगर उसका नाबालिग है तो उसकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था करें, ये हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं और फैक्ट्री के माध्यम से भी उनको हम लोग। फैक्ट्री में देखिए कुछ सेफ्टी वगैरह नहीं दिख रहा है, बाउंड्री वाल जो किया गया है वो भी इतनी एकदम छोटा छोटा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि झारखंड में जितने भी लोग फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं औने पौने दाम से जमीन का पैसा नहीं देते हैं और जमीन को भी कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ का जो मजदूरी का जो रेट होना चाहिए ये भी कुशल नेतृत्व का उसका पैसा नहीं मिलता है और उसका जो सेफ्टी गार्ड होना चाहिए इसको भी फुलफिल नहीं करते हैं, बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं ये भी नहीं है, इधर हम लोग पीछे साइड में देखें जो सुरक्षा गार्ड होना चाहिए ये भी गार्ड नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ उसका एक ही मोटिव रहता है कि हम यहाँ अधिक से अधिक कैसे पैसा कमाएं और यहाँ के झारखंड के लोगों को शोषण करें। सर आप कैसे देख रहे हैं इस पर, कितनी बड़ी घटना हो गई आपके क्षेत्र में? अभी आप खुद मुआयना किए रांची जिला के और मांझी प्रखंड के इस पालू गांव में ऑक्सीजन प्लांट जो लगा हुआ है, सरकार का जो मानक है प्लांट लगाने का वो किसी भी तरह का मानक को पूरा नहीं कर रहा है, उसके बाद भी फैक्ट्री चला रहे हैं और फैक्ट्री जब चल रही है तो उसके जो मजदूर हैं उनके जो कामगार हैं उनको समुचित व्यवस्था देनी चाहिए काम करने के लिए, चूँकि वो मजदूर हैं तो उनके ही कमाए पैसे से उनकी मालिकगिरी चल रही है। आप देखें जिस प्लांट के सामने हम लोग खड़े हैं यहाँ पर महिला काम कर रही थी और अचानक यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और महिला वहाँ से गिर पड़ी और ब्लास्ट हुआ देखें हमको इसका ऊपर में जो एल्बेस्टर है वो भी उड़ गया था, आग लग गया जिसके कारण इनको आनंद फानन में सैंफोर्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ पर भर्ती कराने के बाद उनको कैसे चोट लगा, उनको कैसी दवा होना चाहिए
वो समुचित व्यवस्था प्लांट के मालिक ने नहीं कर पाए, जिसके कारण आज हमारे बीच वो नहीं रहे, उनका देहांत हो गया और बिना पोस्टमार्टम के इस प्लांट के अंदर उस बहन की बॉडी आई हुई है और पूरे ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कितना अमानवीय कार्य है कि हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया और इसका मालिक को पता नहीं है कि उसके जो कामगार थे उनका निधन हो गया, हॉस्पिटल के द्वारा एम्बुलेंस से फैक्ट्री में उनका लाश आ गया है, पड़ा हुआ है उनका मृत शरीर, और अभी तक ना तो प्रशासन को सूचना है और ना किसी प्रकार का किसी को सूचना है। अभी तक प्रशासन भी नहीं पहुंचे, जबकि मैं समझता हूं कि बॉडी लगभग 7 से 8 बजे इस प्लांट में लेकर आए हुए। तो कितना मानवता का चिरहरण हो रहा है, मानवीय संवेदनाओं का चिरहरण हो रहा है। कहाँ है मानवता कि हमारे कामगार का मृत्यु हो जा रहा है और उसके मालिक का कोई पता नहीं, ओनर कोई पता नहीं, जिसके कमाए जिसके शरीर के पसीने का कमाए वो खाते हैं। तो इस तरह से लोग बाहर से आते हैं या निवेश करते हैं, लेकिन निवेश करके झारखंड का समृद्धि नहीं चाहते हैं, झारखंड का मानवीय शोषण करना चाहते हैं और झारखंड के मानवीय शोषण कर रहे हैं और वो दूसरे राज्य का समृद्धि कर रहे हैं और झारखंड का शोषण कर रहे हैं। ये तो हालत है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो मृत परिवार है उनको निश्चित तौर पर 50,000 रुपये का मुआवजा राशि, 50,00,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जाए और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हों उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था की जाए और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको भरण पोषण की व्यवस्था कंपनी के द्वारा किया जाए। और नहीं तो यहाँ की जो जनता है वो फैक्ट्री में जमे हुए हैं, अभी तक इसका मालिक नहीं पहुँचा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका आनर से आप लोग तो बात नहीं होगी, नहीं अभी तक तो किसी प्रकार की बात नहीं हुई है। आप सोचिए कि 15 दिन पहले यह घटना घटी, अभी तक प्रशासन को सूचना नहीं है, अभी तक किसी प्रकार का किसी को सूचना नहीं है और अभी मृत बॉडी को यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और किसी तरह का मानवीय संवेदना उनके पास नहीं है कि मृत परिवार के साथ हम कैसा न्याय करें। लेकिन वो न्याय नहीं, सिर्फ अन्याय ही कर रहे हैं। भैया आप पीछे साइड में देखिए, एक व्यक्ति बताए कि एक बार जानवर वहाँ घुस गया तो कंकाल निकला, वो मर गया वहाँ पर। तो इसका समुचित व्यवस्था भी होना चाहिए, चाहे मानव हो चाहे जानवर हो, सबकी सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी होनी चाहिए। और आप निवेश करिए झारखंड में, लेकिन यहाँ की जान माल का सुरक्षा भी दीजिए और यहाँ के लोगों को रोजगार भी दीजिए। सिर्फ यहाँ के लोगों को शोषण करने के लिए झारखंड में निवेश नहीं करिए। औने पौने दाम में आप जमीन खरीद लिए और यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को जान मारने का कार्य कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। निश्चित तौर पर इन पर जितने धाराएं लगेंगी जो इंडस्ट्री कानून से बाहर, जो भी कानून का ये काम कर रहे हैं, जो गैर कानून है, उस धारा पर इन पर FIR होना चाहिए और मृत परिवार को 50,00,000 का मुआवजा शीघ्र वो दें और उनके आश्रित लोगों का समुचित व्यवस्था करने का कार्य करें। आपका क्या कहना है? देखिए आज बहुत दुखद घटना है और मांझी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पालू में जो इसके गैस प्लांट यहाँ पर चल रहा, इसमें पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर एक महिला की काम करने के दौरान दुर्घटना हो गई, उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ आज उनका दुखद मृत्यु हो गया। देख लीजिए जो प्लांट है, इस प्लांट में ना कोई सुरक्षा का व्यवस्था है, ना यहाँ पर किसी प्रकार का व्यवस्था है। लोग यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं लेकिन अपनी जान को जोखिम डाल करके आते हैं। आज जो हम लोग फैक्ट्री का भी मुआवजा करें, कहीं भी जो फैक्ट्री चलाने का जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया फुलफिल नहीं करता, वो पूरी तरह से असंवैधानिक ढंग से यहाँ पर फैक्ट्री चला रहा है। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जो यहाँ का मालिक है उस पर जांच किया जाए, उस पर FIR किया जाए और जो पीड़ित परिवार है उस दोबारा तो फिर उसका जान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसका जो मांग है 50,00,000 रुपया और जो पीड़ित परिवार है उनके आश्रितों को भरण पोषण का व्यवस्था करें, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग का जो शोषण हो रहा है शोषण बंद है। बस बताना कुछ वाला दिखा देते हैं।